अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है वो बेसिकली फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है और फीमेल के डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक का जो हमारा मेन डाइटरी सप्लीमेंट, इसका ब्रांड नेम है ओबिटेक्स। ओबिटेक्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज। ओबिटेक्स को देखने से पहले आप अगर इसको वीडियो को बस आपको पसंद आती है तो लाजमी लाइक करें, और आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट्स में पोस्ट करें, लाजमी आपको आंसर किया जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको मुफीद मशवरे मिलते रहें वाइटमिन्स एंड सप्लीमेंट्स और मेडिसिन रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। तो हम चलते हैं ओबिटेक्स पे। ओबिटेक्स एग्नस कैस्टस इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। वाइटस एग्नस कैस्टस को बोलते हैं, यहाँ पे एग्नस कैस्टस भी लिखा गया है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एग्नस कैस्टस। उसके बाद जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें है जिंसिंग, पाइरोक्सिन, उसके बाद वाइटामिन डी है, कैल्शियम है, जिंक है और जिंको बाइलोपा है, और मैग्नीशियम भी ऐड किया गया है। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या फायदे हैं सब कुछ है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है वो है वाइटस एग्नस कैस्टस। वाइटस एग्नस कैस्टस किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या क्या उसकी फायदे हैं, ये बहुत ही एक नॉवल ब्लेंड ऑफ हर्बल ट्रीटमेंट है जिसके बहुत से फायदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओबिटेक्स को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। ओबिटेक्स की प्राइस क्या है? ओबिटेक्स की प्राइस है 3000 रुपीज़। ये आपको 3000 रुपीज़ में मिल जाएगी और ये मैन्युफैक्चरिंग यूएई हुई है, और इसका जो यहाँ पे मार्केटिंग हो रही है बिम बिस्टॉल के थ्रू हो रही है, कंपनी का नाम है। और ये आपने मिनिमम यूज़ करनी है 3 मंथ्स, 3 साइकल्स 3 मंथ यूज़ करेंगी। उसके बाद इसको आपने इस्तेमाल करना है कैसे, वो आपने ब्रेकफास्ट से 30 मिनट्स पहले लेना है, अपना नाश्ता करने से आधा घंटा पहले आप लेंगे। तो हम वाइटस एग्नस कैस्टस की तरफ चलेंगे, इसकी क्या क्या इंडिकेशन है, किन किन मसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइटस एग्नस कैस्टस के बारे में जो है कि वो मेन इंग्रेडिएंट जो उसका है वो है फीमेल इनफर्टिलिटी को वो ट्रीट करता है। फीमेल इनफर्टिलिटी में जितना भी फीमेल्स को इश्यूज आते हैं कि जिनमें वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, प्रेगनेंसी या कंसीव करने में उनको इश्यूज आ रहे हैं, वो सब के सब इससे ट्रीट हो सकते हैं। उसके बाद जो मेन इंडिकेशन है वो है बहुत कॉमन प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या चीज़ होती है? PMS का लफ्ज आपने कॉमनली सुना होगा। PMS वो चीज़ है जो कॉमनली हर बंदे को, हर एक को मसला होता है। वो मसला क्यों होता है? जैसे ही ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन होने के बाद आपके अंदर बिहेवियर चेंजेस आती हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेज आती हैं और साथ ही फिजिकली पेन स्टार्ट हो जाता है। ओवुलेशन होने के बाद जब तक आपकी मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती तब तक आपके अंदर ये मूड स्विंग्स रहते हैं, आपके अंदर एक्सेसिव क्राइंग होती है, आपको रोने का दिल चाहता है, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा ऑल्टर हो जाते हैं, और उसके साथ साथ ही आपके अंदर बहुत डिफरेंट बिहेवियर चेंजेस आते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस आते हैं, और फिजिकल पेन के लिए आपको पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। तो इस सब का जो खात्मा है वो ओबिटेक्स से हो सकता है। ओबिटेक्स जो है जिसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है एग्नस कैस्टस, वो इसकी इंडिकेशन है, आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर फीमेल इसको इस्तेमाल करके इस मसले से बच सकती है। थर्ड जो इशू है साइक्लिक ब्रेस्ट पेन। साइक्लिक ब्रेस्ट पेन क्या होती है? साइक्लिक ब्रेस्ट पेन जब हार्मोन लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं किसी फीमेल्स के अंदर, जब वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जब मतलब कि ये कि ओवुलेशन होने के बाद कुछ फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन से पहले पहले ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस होती है और ब्रेस्ट पेन होता है, उसको कहते हैं साइक्लिक ब्रेस्ट पेन। उसके लिए भी वाइटस एग्नस कैस्टस इस्तेमाल कर सकते हैं जो ओबिटेक्स के नाम से आता है, उससे आपकी साइक्लिक ब्रेस्ट पेन ख़त्म हो जाएगी। नंबर थर्ड पे है जी पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। पॉलीमेनोरिया उसको बोलते हैं जिसमें फीमेल्स में साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होता है। अगर फीमेल किसी में 21 डेज से शॉर्ट साइकिल है, 21 डेज से भी उनका साइकिल जो है वो शॉर्ट है, तो उसको पॉलीमेनोरिया में कैटेगराइज करेंगे। जिन फीमेल्स का साइकिल 21 डेज से कम है वो भी पॉलीमेनोरिया के लिए इस्तेमाल ही कर सकती हैं। उसके बाद आता है कि इंग्रेडिएंट इरेगुलरिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कॉमनली इशू देखा जाता है कि बहुत सी फीमेल्स के अंदर इरेगुलरिटी आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो उनकी डेट्स हैं वो प्रॉपर नहीं होती हैं, उसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी सारे इशूज़ आते हैं, डिस्टर्बेंसेज आती हैं। तो जो लोग फीमेल्स अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर करना चाहती हैं, प्रॉपरली डेट उनको प्रॉपर टाइम पे आए, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद जो इसका इंग्रेडिएंट, इसका जो यूज़ है वो एक्ने के लिए यूज़ होता है। फीमेल्स के अंदर एस्थेटिक अपील एक प्राइमरी यूज़ होता है कि वो मतलब एस्थेटिकली बहुत साउंड फील करना चाहती हैं, जिसके अंदर वाला मसला ये आता है कि मोस्टली उनके अंदर एक्ने होती है, और एक्ने की जो रीज़न है वो टीन एज में मोस्ट कॉमनली हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, और बाद में भी हो सकती है अगर आप कोई और डिफरेंट बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करते हैं या कुछ और यूज़ करते हैं। तो इससे पहले कि आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल यूज़ करें अपनी एक्ने के लिए या कुछ और यूज़ करें, तो सबसे पहले आप ये वाइटस एग्नस कैस्टस इस्तेमाल करके अपना जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से एक्ने हो रही है उससे जान छुड़वा सकते हैं। उसके बाद है जी हाइपरमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया किसको बोलते हैं जी? हाइपरमेनोरिया उसको बोलते हैं जिसमें फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा हो, जिनकी ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव हो रही है, उनको हाइपरमेनोरिया बोलते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकती है।
उसके बाद है जी हाइपरपोलैक्टिनेमिया। हाइपरपोलैक्टिनेमिया किसको बोलते हैं? प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि फीमेल में प्रोड्यूस होता है तब जब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। जब फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान गुजरती हैं तो उनके प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज हो जाते हैं ताकि वो ब्रेस्ट फीड कर सकें। जो इन्फेंट है उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोलैक्टिन लेवल का इंक्रीज होना लाजमी है। जब प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा होगा तो ब्रेस्ट फीड से मिल्किंग ज़्यादा होगी। लेकिन इसका इशू ये आता है कि अगर वो फीमेल जो अभी प्रेगनेंट होना चाह रही हैं, जो कंसीव करना चाह रही हैं, उनमें अगर हाइपरपोलैक्टिनेमिया होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो कंसेप्शन की तरफ नहीं वो जा सकेंगे, कंसीव नहीं करेंगी। तो उन फीमेल्स के अंदर जिसके अंदर पोलिफिन या दूसरे कोलोमिफिन सिट्रेट दे हुए होते हैं, उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपरपोलैक्टिनेमिया के केस में। उसके बाद आता है जी मिस्टेल्जिया। मिस्टेल्जिया बोलते हैं साइक्लिक ब्रेस्ट पेन को, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी की फीमेल की ब्रेस्ट में पेन है तो उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉमनली होता है। उसके बाद है सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया उसको बोलते हैं कि जिन फीमेल्स के अंदर एक दफ़ा तो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन हुई है, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई। अगर वो मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई एक्सेसिवली सब्सिक्वेंटली 3 मंथ से नहीं हुई, अगर कंसिक्वेंटली 3 मंथ से नहीं हुई, तो उसको सेकेंडरी एमेनोरिया कह सकते हैं। और सेकेंडरी एमेनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो अगर किसी के पीरियड्स नहीं आवे, इरेगुलर हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, और जिसके पीरियड्स टाइम पे नहीं आवे उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अब इसका मैंने आपको फंक्शन बताना है कि इनफर्टिलिटी में कैसे डील होती है। ओविडेक्स, ओविडेक्स जो है इसका जो मेन इंग्रेडिएंट पार्टिसिपेंस का, उसके दो रोल्स हैं, उसके दो मैकेनिज्म्स हैं बेसिकली। उसने एक तो आपकी एक्ट करना है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, जो भी आपका विजन होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। हाइपोथैलेमस बेसिकली ब्रेन का एक पार्ट है जिसके अंदर पिट्यूटरी विजन होता है। जब पिट्यूटरी विजन से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस पे एक्ट करेगा तो इसने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंक्रीज करना है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंक्रीज करने के साथ साथ ये आपके जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की रेशियो होती है, प्रोजेस्टेरोन की रेशियो को ज़्यादा कर देगा। प्रोजेस्टेरोन की रेशियो को ज़्यादा करने से क्या होगा कि आपको फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी जो है, कंसेप्शन जो है, वो प्रमोट हो जाएगी। अब ये कैसे करता है? वो करता है कॉर्पस ल्यूटियम लाइकोफैक्टर। कॉर्पस ल्यूटियम एक ओवुलेशन के दौरान जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर एक ओवरी के अंदर एक बॉडी बनती है जो कि बेसिकली कंसेप्शन के अंदर बहुत उसका रोल होता है, और साथ ही साथ अर्ली प्रेगनेंसी में भी कॉर्पस ल्यूटियम का एक बहुत हेल्पफुल रोल होता है। वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करता है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिलती है और कंसेप्शन भी होती है। तो जो वाइटस एग्नेस कैस्टस है इसका मैकेनिज्म भी सेम है, किसने हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस पे एक्ट करने हैं, और उसके बाद एक्ट करने के बाद इसने क्या करना है जी, इसने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंक्रीज करना है और कॉर्पस ल्यूटियम लाइक हार्मोनल इफेक्ट्स देगा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो के अंदर से प्रोजेस्टेरोन की रेशियो को ज़्यादा करेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इसकी जो मेन रीज़न है कि ओविडेक्स आपने क्यों यूज़ करनी है, ये मॉड्यूलेट करते हैं आपके बॉडी के प्रोजेस्टेरोन लेवल को। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है, ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस कोई नहीं आएगा, आपके हार्मोनल चेंजेस कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ डाइटरी सप्लीमेंट्स है जो नेचुरल ऑरिजन से ऑब्टेन हुआ है, जो आपको असिस्ट करता है कंसेप्शन में विदाउट डिस्टर्बिंग योर हार्मोन्स। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड मैकेनिज्म है वो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रही है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है। प्रोलैक्टिन जब सिक्रीट होता है तो वो बेसिकली ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट को प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करता है ताकि जो फीमेल्स हैं वो आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकें और मिल्किंग हो उससे। तो यहाँ पे ओविडेक्स क्या करता है जी, वो प्रोलैक्टिन को जो सिक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से उसको वो है कि कम कर देता है। अब वो कैसे कम करता है? वो डायरेक्टली जाके बाइंड करता है डोपामिन रिसेप्टर से, जो कि इनहिबिट करेंगे प्रोलैक्टिन के रिलीज को पिट्यूटरी में। ओविडेक्स से जाके बाइंड करने डोपामिन रिसेप्टर से डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड में, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से जाके वो बाइंड करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड में डोपामिन रिसेप्टर से, तो प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन कम हो जाएगी। जब प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन कम होगी तो आपको जो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया से सिम्टम्स या इश्यूज आ रहे थे या जो भी डिस्टर्बेंसेज हो गए थे कि ओवुलेशन नहीं हुई थी, वो खत्म हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो हमारी। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूँ कि ये कौन कौन से इस्तेमाल, कौन कौन से इंडिकेशन में इस्तेमाल होता है। इनफर्टिलिटी में इस्तेमाल हो सकता है, एनवोलेटरी साइकिल्स में जिन लोगों में फीमेल में अंडा नहीं बनता, ओवुलेशन नहीं होती, उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। हाइपरमेनोरिया किस केस में हो सकता है? हाइपरपोलैक्टिनेमिया के केस में हो सकता है। मेस्टेल्जिया ब्रेस्ट पेन के केस में इस्तेमाल हो सकता है। पोलीमेनोरिया में इस्तेमाल हो सकता है। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इस्तेमाल हो सकता है। सेकेंडरी एमेनोरिया में इस्तेमाल हो सकता है। और साथ ही साथ ओविडेक्स में डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम भी है जो कि आपके पट्टों के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम भी है, जिंक भी है, विटामिन डी भी है, और पाइरिडॉक्सिन विटामिन B6 भी है, जिंको बायोबा भी है। ये टैबलेट्स की शेप है, ये टैबलेट्स की शेप मैं आपको शो करवा रहा हूँ, और इसके आपको प्राइस गाइड कर दिया कि 3000 रुपीज़ है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।